last time we put up a play, Dada gave us a name. He said there is Hollywood, there is Bollywood, but Bridge Builders has Sollywood. Just to give you a little glimpse about Coach, Coach is an exhilarating journey of a young boy Avdhoot. There are a lot of questions that will be arising in your mind right now just before the play, because I'm going to throw these questions at you. Will the band Coach reunite? Will Avdhoot reach his destination? Will Sid, Achal and Bunty refuse an amount of rupees 10 lakhs? Would you choose Sufi or would you choose rock? All this find out in Coach and much more. Sollywood presents to you Coach, the story of a rock band. जो जितने ज्यादा गुरु के प्रति समर्पण करेंगे वो सभी उनके आशीषों से धन्य होंगे। वे ही सच्चे सहयोगी होंगे कृष्ण के, बुद्ध के, ईसा मसीह के। वे ही नई संस्कृति और मानवता के रचनाकार होंगे। We'll be right back.
अवधूत चलना नहीं है क्या? सिड ये तो गया, हम चलें? अरे रुकना, मेरा ड्रम सेट है, पैकअप तो होने दे। वैसे भी बंटी खाना यहीं पे ला रहा है, तू पहले उसे जगा। ये तो जगने से रहा। Don't you know him? वैसे बंटी खाना कहां से ला रहा है? अरे ऑर्गेनाइजर की तरफ से है। तब तो छोड़ेंगे नहीं बेटा, आज तो खा के ही जाएंगे। एंड एनीवेज, ये जो लालू भाई है ना, देता है तो चारा काट के। व्हाट? कमीशन निकाल के खाना तो पूरा भेजेगा, वरना उसमें भी। हे गाइस व्हाट्स अप, ये आ गया वायरस। हे डोंट कॉल मी वायरस ओके। अरे अमर टशन देता है। हाँ टशन देता है, ज्यादा टशन देगा ना तो तेरे पे हिंदी पिक्चर बनाऊंगा। कौन सी? देख ये अभी आया ना हाथ में लैपटॉप लेके, वैसा आएगा और लैपटॉप स्टाइल से खोलेगा और इस फिल्म का नाम होगा वायरस बन गया फ्यूरियस। ठीक है अब दूंगा तुझे रिकॉर्डिंग। अरे तू छोड़ ना यार, तुझे मालूम है ना ये सिड कैसा है? हाँ मालूम है मुझे। एक तो तुम्हारे लिए सॉफ्टवेयर ढूंढूं, फ्री में रिकॉर्डिंग करूं। जाने दो, तुम तो ऐसे ही हो, काम निकालने के बाद डायरेक्ट शिफ्ट डिलीट। ओके टाटा बाय बाय सी यू। अरे अमर रुक रुक रुकना, अबे रिकॉर्डिंग तो देते जा। क्या तू भी सेड, अब रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे? लीव इट, तुझे क्या लगता है ये वायरस नहीं देगा? आज गया है कल फिर से रीबूट होगा देखना। यार ये बंटी इतनी देर क्यों लगा रहा है? बंटी को कहना 3 प्लेट ही ऑर्डर करे। क्यों? ये तो अभी खाएगा नहीं। ई-हो! It's party time, guys! खाना, गर्मा गर्म खाना। अरे ये क्या कर रहा है? ओए अवधूते, अवधूते खाना नहीं खाओगे क्या? ये ऐसे नहीं मानेगा। क्या करोगे? अब मैं निकालता हूं अपना वस्त्र। क्या? कुछ गलत कहा? अभी तू कपड़े क्यों निकालेगा? मैंने कब कहा? अरे अभी तो कहा। मैं वेपन कहना चाहता था। अबे वो वस्त्र नहीं होता, शस्त्र होता है शस्त्र। वही यार, वही कह रहा था मैं। लेकिन ये सब तू कैसे करेगा? देख महोदय, आपके लिए बढ़िया भोजन का प्रबंध किया है, कृपया आकर उसमें मुख प्रहार करने का कष्ट करें। क्या क्या करने का? मुख प्रहार मतलब? अभी शुद्ध हिंदी में बोलूं? भौको। भौको? मुंह मारने का ट्राई करो। छोड़ो कांग्रेस छोड़ो। अरे बोलो बोलो, नाम तो बोलो। राधे बोलो श्याम बोलो। अरे भैया अपना काम तो बोलो। हाथ तो छोड़ो। अभी आप ठीक से बताएंगे या? जी मैं राधे श्याम नंदन करता हूँ आपको वंदन और इस शानदार समारोह के लिए अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन।
जी 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 चंदन वंदन नंदन लंदन वीरप्पन मुरलीधरन। भैया ऐसे व्यर्थ ना डराओ, ऐसी हंसी ना उड़ाओ। मिस्टर काम तो बताओ, काम छोड़ के ये क्या लगा रखा है चंदन वंदन। ठीक है ठीक है, करना चाह रहा हूं वो बात जिसके लिए तुमने किए हैं दिन रात। क्या बात? एल्बम बनाने की दिल में है चाह, जिसे सुन के दुनिया बोले वाह 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 वाह। आपको चांस देने का है इंटरेस्ट, बाकी खुद ही तय कर लो रेस्ट। बस बहुत हो गया, आप सीधे तरीके से बात करेंगे या? जी क्या है, मैंने आपका गाना सुना और नया गाना मैं आपको लेकर तैयार करवाना चाहता हूं। हम तैयार हैं। रुको, क्या कैसे किस लिए ये तय नहीं हुआ अभी तक। मैं समझा नहीं। आप एल्बम याने क्या करवाना चाहते हैं? गाना गाना। वो तो समझे, लेकिन ऐसा गाना जिससे बुड्ढों को जवानी आ जाए और जवां दिलों की धड़कनें रुक जाए, ऐसा। मतलब? सिंपल सिंपल, सोचो एक ऐसा आइटम सॉन्ग जो मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी को पीछे छोड़ दे, और वो भी आपके ट्यून पर। इसके लिए आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए कैश और उसके साथ नाम शोहरत फेम फ्री फ्री फ्री। सॉरी क्या क्या? SORRY सॉरी, ये हम नहीं कर सकते। क्या मैंने ठीक से सुना नहीं? हम नहीं कर सकते अवधूत। अरे तुम तीनों चुप बैठो। ए अवधूत क्या कर रहा है यार? आपने सुना नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है नो प्रॉब्लम, सुन ले बेटा, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती और तुम जैसे उसूलों के पक्के मैंने बहुत देखे हैं। देखो सोचो वरना छोड़ दो, पछताओगे। ओके ये मेरा कार्ड या। व्हाट द हेल यार अवधूत, घर आई लक्ष्मी को ठुकरा दिया। इसे तू लक्ष्मी कहता है अचल? लिसन, किसी औरत की इज्जत को उछाल कर कमाए पैसे को लक्ष्मी नहीं कहते। लेकिन महोदय हम तो इसी समय की उपेक्षा में थे। बंटी उपेक्षा नहीं गधे आशा होता है आशा, छोड़। अवधूत लिसन यार। बस बस, आई डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ डिबेट ऑन दिस, यू नो वेरी वेल सेड, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या सोचकर हम म्यूजिक में रिसर्च कर रहे हैं? बोल अचल, हमने अपने बैंड का नाम खोज क्यों रखा? बोलना, ऐसी गंदी और बाजारू चीजों के लिए? नहीं यार कम ऑन, हमें खुद को ढूंढना है, ऐसा म्यूजिक जो सीधा जाके सुनने वाले के दिल को छू जाए, मन को शांति दे, सुकून दे। वी वॉन्ट टू फाइंड समथिंग सूफी और डिवाइन, डोंट वी? यू वॉन्ट डू दैट अवधूत, नॉट अस। ये सब तुम्हें करना है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं। मैंने कई स्ट्रगलर्स देखे हैं जिनके बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन एक ब्रेक के लिए तरसते हैं, और हमें इतनी आसानी से मिल रहा है और तुझे दिक्कत हो रही है। ओके, तुम दोनों क्या कहते हो? ऑल राइट, समझ गया। अच्छे तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। सिड तुमने क्या सोचा है? हम काम करेंगे अवधूत के बिना। हाँ तो, लेकिन ट्यून तो अवधूत की है। ट्यून बदलने में कितनी देर लगती है? लेकिन लीव इट, मैं जा रहा हूं, तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो। क्या करूं, एक तरफ जिंदगी की सारी खुशियां हैं, लेकिन क्या सच में
ये खुशियाँ हैं? क्या सच में इस रेस में भागना जरूरी है? क्या रूह की आवाज, मन का समाधान कोई मायने नहीं रखता? क्या करूं, क्या करूं? मंजिल मंजिल मुझे मिले न मिले इसका क्या गिला, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका क्या गिला, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका क्या गिला, कि तुम मेरे साथ साथ हो ये भी तो कम नहीं, बाजा तुम मेरे साथ साथ हो ये भी तो कम नहीं, मंजिल मुझे मिले न मिले इसका क्या गिला, कि तुम मेरे साथ साथ हो ये भी तो कम नहीं, कि मैंने जमाल आपका देखा नहीं तो क्या, मैंने जमाल आपका देखा नहीं तो क्या, मैंने जमाल आपका देखा नहीं तो क्या, ख्वाजा मैंने जमाल आपका देखा नहीं तो क्या। जी बोल। जी मैं तुम जी मैं अवधूत। तो जी मैं भी संगीत सीखता हूँ। अच्छा, तो आपका गाना सुना और मैं चकरा गया। क्यों, मुझे गाना नहीं आता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने जो गाया वो तो मुझे 2 साल से नहीं मिला। 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन आप हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है। तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। जी सुनिए। अब क्या है? जी एक पूछना है। पूछो। क्या आप मुझे सिखाएंगे? नहीं। क्यों? एक बार कहने से समझ में नहीं आता क्या? लेकिन क्यों? मुझे अपने गुरु का आदेश नहीं है। मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, तुम्हारी तड़प देख के तुम्हें मेरी एक चीज देता हूं। ये ले, संभाल पाएगा? ये क्या है? ये मेरे गुरु की देन है जो उनके गुरु ने उनको दी थी, ज्ञान की परंपरा, पुश्तों से चली आई धरोहर। संभालेगा? लेकिन ये है क्या? मेरा काम खत्म, अब तेरा शुरू। क्या? खोज। लेकिन सुनिए तो खोज। फकीर बाबा, लेकिन सुनिए तो खोज। खोज। अब इस लकड़ी के मामूली बक्से से क्या होगा? नमस्कार। अरे भाई, जशन कहाँ है? आज तो उसका जन्मदिन है ना, मैं उसके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, उसके लिए तो तुम्हारी दुआएं ही काफी हैं। वो तो उसके साथ हमेशा रहेंगी, तुम उसे पहले बुलाओ तो। बैठिए, अभी बुलाता हूँ। जशन, जशन बेटा। आया पिताजी। देखो चाचा जी तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। उपहार? बेटे जशन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। दो दो उपहार? दो नहीं, एक ही। इन दोनों में से तुम्हें एक ही पैकेट चुनना है। कौन सा चुनोगे, ये चमकीला
या ये अखबारी कागज में लिपटा हुआ? क्या करूं? ये चमकीला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर इतना बढ़िया उपहार होते हुए ये सादा क्यों लाया होगा? जरूर इसमें कुछ है। नहीं, मुझे लगता है ये अखबारी कागज मुझे फंसाने के लिए लगाया है। मैं यही लेता हूँ। वाह बेटा वाह, तूने ठीक चुनाव किया। इस सादे पैकेट में कॉन्क्लीन का पेन है और इस चमकीले पैकेट में पेंसिल का केवल एक टुकड़ा। आज से मैं हमेशा याद रखूंगा कि चमक दमक के पीछे हमेशा सच्चाई नहीं होती। हाँ, मैं अब जान गया मुझे क्या करना है। चमक दमक के पीछे हमेशा सच्चाई नहीं होती। सिर से तो मेरी हमेशा ऐसे ही नहीं बनती थी, क्यों ना मैं बंटी और अचल को मनाऊं? हाँ, यही ठीक है। अचल, बंटी, अरे मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। वही, हम भी तुमसे वही बात करने आए हैं। अवधूत, लिसन यार, अभी भी टाइम है, वी कैन कन्विंस इट, जस्ट से यस। तेरे बगैर तो हम म्यूजिक के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्यों मतलब? बस क्या अवधूत, अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो हमारा हृदय चकना चूर हो जाएगा, मन अंतःकरण जीर्ण हो जाएगा। जीर्ण नहीं होता है, विदीर्ण होता है, विदीर्ण। मींस? हार्ट ब्रेक कहना है तुझे? हाँ हाँ, वही वही। अबे तो सीधी हिंदी में बोलना। तो मैं अब क्या बोल रहा था? अवधूत, जस्ट थिंक केयर। व्हाट? क्या सोचूं? जब हम सबने मिलकर बैंड शुरू किया था तो क्या सोचा था? पैसे कमाएंगे, नाम कमाएंगे। कलाकार के लिए इसके आगे कुछ नहीं होता। टेल मी, क्यों रखा हमने बैंड का नाम खोज? वही खोज जो हम सब ने शुरू की थी, अब मैं जारी रखूंगा। सो यू आर इन सर्च? यस। यानी तू नहीं आएगा? नहीं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारी, व्हाट डिड यू से? हाँ, खोज खोज, चलने दे चलने दे, फिर मत वापस आना। और भगवान ना करे कभी फेल हो गए तो हमसे किसी मदद की उम्मीद ना रखना। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इसका जवाब मुझे फकीर बाबा ही दे सकते हैं, मुझे उनसे मिलना ही पड़ेगा। तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, वो जग चंद्रा है मुझे ताने मारता, वो जग चंद्रा है मुझे ताने मारता, वो जग चंद्रा है मुझे ताने मारता। यारी तेरे संग जब से लगाई मैं, यारी तेरे संग जब से लगाई ये दुनिया रकीब हो गई, यारी तेरे संग जब से लगाई ये दुनिया। आ गया तू, बोल अब क्या परेशानी है? मेरे दोस्तों ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया, मैं अकेला ये कैसे कर पाऊंगा? बच्चा, दुनिया में हर कोई अकेला ही तो है। सिर्फ वो है ना, वही सबके साथ होता है। आ बच्चे, तुझे एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन जशन, हमने ये एक्सेलसियर इसलिए नहीं शुरू किया।
लेकिन इस तरह का स्पिरिचुअल डायमेंशन ऐड करने से ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा? लेकिन कुछ नहीं, ध्यान में रखो, किसी भी काम का फाउंडेशन आध्यात्मिक ना हो तो वह डगमगा जाएगा, और मेरा कहना यह है कि हम उसे स्पिरिचुअल टच देंगे। ठीक है, इसके आगे हमसे किसी मदद की उम्मीद मत रखना। फिर दादा ने हार नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। वो अकेले ही लिखते, पैकिंग बनाते, इश्तेहारदारों से मिलते, मानो पूरा चलता फिरता अखबार। इस एक्सेलसियर का आध्यात्मिक पथदर्शन गुरु साधु वासवानी ने किया था, और देखते ही देखते इस पाक्षिक के यानी 15 दिनों में एक बार निकलने वाले पत्र ने दैनिक अखबारों को भी पीछे छोड़ दिया। समझ गया, इसके आगे मुझे अकेले ही खोज करनी है। बड़े समझदार हो, जल्दी समझ गए। जी, कुछ गलती हुई? अभी तक तो नहीं, लेकिन संभाल, आगे हो सकती है। अवधूत। अरे अमर, इतने दिनों बाद, व्हाट्स अप डूड? अरे, तुझे कितने दिनों से सर्च कर रहा हूं, और तू है कि ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने शिफ्ट डिलीट कर दिया हो। अरे तुम आईटी वाले कंप्यूटर छोड़ के कुछ बोलोगे? खैर, आज मेरे घर तुम्हारा पॉपअप किस लिए? देख, मैं तेरा मन करप्ट नहीं करना चाहता हूं। बोल। तू और बंटिया चल एक साथ काम नहीं करते कई दिनों से? तो फिर उन्होंने तुम्हारी ट्यून क्रैक की है, चुराई है। उस पर एक वल्गर गाना बनाकर वो बहुत पॉपुलर बन चुके हैं। ठीक है, छोड़ दे। छोड़ दे? यू मीन टू क्लोज द विंडो? कैसे यार, तेरी इतनी मेहनत लगी है उसमें। वही तो, मेरी मेहनत किसी के तो काम आई, और मैं मेरी प्रतिभा से ऐसी बहुत धुनें बना सकता हूं। एक धुन के लिए क्या रोना, छोड़ देना यार। और वैसे भी वो लोग कितनी बार चुराएंगे? यू आर ग्रेट अवधूत, यू आर ग्रेट, तुझे कोई नहीं समझ सकता। यू नो, तेरा प्रोग्रामिंग ही कुछ अलग है। खैर, मेरे पास एक टास्क है तेरे लिए। कौन सा टास्क? हमारे कंपनी की जो एक कॉर्पोरेट फिल्म बन रही है ना, उसका बैकग्राउंड स्कोर बना दे। नहीं यार, सॉरी। लेकिन क्यों? लुक अमर, यही करना होता तो मैं बंटी, अचल या सिड के साथ काम ना करता। मुझे संगीत सिर्फ नाम या पैसा कमाने के लिए नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू फाइंड माई सेल्फ विद इन। मैं खुद को सुकून दे ऐसी चीज ढूंढना चाहता हूँ, और जो चीज मुझे सुकून देगी वो औरों को जरूर देगी। ओ गॉड, F5 F5 F5। क्या? रिफ्रेश का बटन समझ में नहीं आता? समझाता हूँ। जशन, क्या देख रहा है? जी, सितारे। दिखाओ तो। देखिए। अद्भुत। एक मिनट, अब देखो। कुछ ठीक तरह नहीं दिख रहा है। आप हंस क्यों रहे हैं? मेरे बच्चे, हल्की सी धुन की परत ने सारे तारों को ओझल कर दिया। इसी प्रकार स्वार्थ, अहंकार भी हमसे परमेश्वर को ओझल कर देता है। अपने मन की आंखों से स्वार्थ का, अहंकार का मैल हटाओगे
तो परमात्मा तुम्हें भी सामने दिखाई देंगे। समझे? हाँ ठीक है, तो तुम्हारी साधना चलने दो, चलने दो। आई एम शटिंग डाउन। मतलब? चलता हूं, लेकिन जाने के पहले कुछ नया तो सुना, सुना ना। अरे तुझे बोला ना, अभी भी मेरी खोज चल रही है, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूं। मुझे आ गया। अमर आई गॉट इट। मुझे अभी जाकर गुरुजी को बताना होगा। एक कैस को लैला ने मजनून बनाया था, तुमने तो जिसे चाहा। जी मुझे वो धुन मिल गई फकीर बाबा, जिसकी मैं खोज में था। अच्छा सुनाओ। जी बाबा नहीं आ रहा है। तुझे बड़ी जल्दी है बेटा, एका चीज मिलने का मतलब ये नहीं होता कि मंजिल मिल गई। सुनो तुम्हारी धुन यही थी ना। तुमसे एक बात कहनी थी। जी कहिए। मेरे बच्चे, दूसरों का हाथ पढ़ने की सिद्धि तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए बाधक है, तुम्हें यह काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? क्यों लगेगा, वो मेरी सिद्धि थी ही कहां। एक संत ने भेंट दी थी, दूसरे ने वापस ले ली। तो कहां तक पहुंचे? अब इस संगीत से सुकून मिलता है बाबा, इतना कि पूछिए मत। ठीक है ठीक है। तो बच्चा, पास में एक अनाथ बच्चों की शाला है, उसमें कल से बच्चों को संगीत सिखाना शुरू कर दो। क्या? चौंक क्यों गए? माफ कीजिए, लेकिन मैं खुद के लिए इतनी साधना कर रहा हूं, इन अनाथ बच्चों को सिखाना शायद मैं ये नहीं कर सकूंगा। क्या तुम ये नहीं कर सकते? जाओ, चले जाओ यहां से, दोबारा मत आना, निकल जाओ। जशन,
तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? मैं समाधि में परमात्मा से एकाकार होना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मतलब? तुम बंद आंखों से परमात्मा को देखो, ये मैं नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि तुम खुली आंखों से अपने चारों ओर सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में, अणु अणु में, प्रत्येक के भीतर की आत्मा में परमात्मा को देखो। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, कहीं नहर परा नदियां के कब आए? जब तुम गा रहे थे तब। जी, लेकिन आप जितना अच्छा नहीं गा पा रहा हूं। समझ में नहीं आता क्या कमी है। क्या है बेटा, आप शहरी लोग कला को भी नहीं बख्शोगे, हर जगह दिमाग लगाओगे, गिनती करोगे, हिसाब करोगे। बेटा, संगीत सुरों में बहने से आता है। दिमाग मत चला, बह जा, रूह से गाओ। जशन क्यों रो रहा है? मैंने ढेरों किताबें पढ़ ली, कितने ही संतों की जीवनियां पढ़ डाली, प्रातः काल में धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करता हूं, शाम को सत्संग भी करता हूं, फिर भी अपने लक्ष्य के समीप नहीं पहुंच पाता हूं। रो मत मेरे बच्चे, रो मत। मेरी बातें ध्यान से सुनो। आपका सेवक सुनेगा। यह सत्य है कि तुमने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी है, किंतु इस अध्यात्म पथ के लिए वो एक बोझ है। पढ़ना केवल रटना नहीं है, पढ़ना मनन करना, जीवन में उतारना है, समझे? तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता, तेरा नाम लेके जब मैं पुकारता। ऐ परवरदेगार अल्लाह ताला, तेरे कितने नाम हैं, किस नाम को आपको पुकारूं? कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। देखो, अरे तुम आ गए। जी, एक चीज तैयार हुई है, आपको सुनानी थी। सुनेंगे? सुनाओ। मिट्टी से अणु परमाणु बना, परमाणु बना, जिस दिन जगत का रूप लिया,
परमाणु बना इस दिव्य जगत का रूप लिया कहीं पर्वत विकर्ष विशाल बना कहीं पर्वत विकर्ष विशाल बना सौंदर्य तेरा तू एक ही है सौंदर्य तेरा तू आज शायद तुम्हारी खोज का अगला मुकाम तुमने तय कर लिया है। ऐसी ही साधना करते रहे तो जल्द ही भगवान को पालोगे। जी, सब आपकी दुआ है फकीर बाबा। आपकी दिखाई गई राह पर चलना यही मेरी साधना मानता हूं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे सवालों का तूफान सा आता है और भटक जाता हूं। सवाल? कैसे सवाल? जी, रहने दीजिए। बेटा, पूछो, डरो मत। जी, आप कहते हैं मेरी साधना से मैं खुदा को, भगवान को पालूंगा, लेकिन क्या सच में भगवान है? आप हंस क्यों रहे हो? दुनिया में जब भी किसी ने खुद की खोज करने की कोशिश की है, इस सवाल ने हमेशा उसे उलझा दिया है। जी, कुछ गलत कहा हो तो माफ कीजिएगा। माफी की कोई बात नहीं। सुनो, जी, आपसे एक सवाल पूछना था। पूछिए। आप भगवान के होने का दावा करते हैं? दावा? दावा तो उस चीज का किया जाता है जिसके होने का शक हो, उसका नहीं जो सामने दिखाई दे। देखिए, हम विज्ञान के युग में जीते हैं, सबूत के बिना कैसे मानेंगे? सबूत? वो देखिए। ये क्या है? पैरों के निशान? किसके हैं? किसी आदमी के होंगे। वो यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो तुम ये कैसे कह सकते हो? जैसे तुम इन निशानों से ये जान गए कि यहाँ से कोई आदमी गुजरा है, वैसे ही आंखें खोलकर देखोगे तो इस सारी सृष्टि में तुम्हें ईश्वर दिखाई देंगे। ये पेड़ों की हरियाली, ये पहाड़ों की ऊंचाई, ये नदियों की ममता, सागर की गहराई और इंसान की इंसानियत, ये सब उसी भगवान के होने के निशान ही तो हैं। माफ कीजिए, मैं अपने किताबी ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। जैसे दादाजी ने समझाया, अपने इर्द गिर्द बसे लोगों में, सृष्टि में भगवान खोजो और तुम्हारे लिए तुम्हारी सृष्टि है संगीत, इसीलिए तुम्हारा भगवान उसी से प्रसन्न होगा। जी, समझा। ये दृश्य दिखाया है जिसने, वो है गुरुदेव की पूर्ण
आत्मा तो कोई और नहीं, बस तू और मैं सब एक ही है। बस तू और मैं सब एक ही है। बस तू और मैं सब एक ही है। अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो? प्रोड्यूसर आया था। तो उसने कहा कि अब हमसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करवाना चाहता है। क्यों? वो कहता है कि आपके काम में रिपीटेशन है। अरे यार ये तो बहुत बड़ा रहस्य हो गया। अरे यार प्लीज तू हिंदी मत बोल। रहस्य नहीं मेरे भाई, समस्या होता है, समस्या। वही अचल। और जाने दो। क्या? अरे बोलो तो सही। पेपर पढ़ा आज का? नहीं, क्यों? अवधूत की न्यूज आई है, उसका एक बहुत बड़ा फ्यूजन कॉन्सर्ट होने वाला है। अवधूत का? क्या 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 कहता क्या है? सही बोल रहा हूं। मैंने पहले से ही कहा था अवधूत का रास्ता ही सही है। अबे बिन पैंदे का लोटा मत बन, जो किया तीनों ने मिलकर किया। बस 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 प्लीज, आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? इस बात का राज तो जानना ही होगा। लेकिन कैसे? अवधूत से मिलके। और उसे कहेंगे कि हम उसके साथ काम करना चाहते हैं। वो मानेगा? देख यार बंटी, गलती तो हमसे ही हुई है, तो माफी मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे। और मैं अवधूत को जानता हूँ, वो एक सुलझा हुआ इंसान है, वो हमें जरूर माफ कर देगा। तो फिर देर कैसी, अशुभस्य शीघ्रम। अरे मेरे भाई हिंदी मत बोल, शुभस्य शीघ्रम होता है इडियट। वही जल्दी है ना, तो चलो जल्दी। दादाजी मुझे बचाओ। क्या हुआ? मैं जानता हूं कि शराब पीना बुरी चीज है, और हर बार मैं शराब छोड़ना भी चाहता हूं, लेकिन 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 ये शराब है कि मुझे छोड़ती नहीं, और मैं फिर से पीने लगता हूं। बड़ी कठिन समस्या है आपकी। वही तो, अब आप ही मुझे बचाइए। ठीक है, एक रास्ता है। अब की बार जब तुम्हें लगे कि शराब पीनी है तो मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर शराब पियेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे तुम तीनों खड़े क्यों हो? आओ आओ बैठो। अरे इतने दिनों बाद मिले हो, कुछ बोलोगे कि नहीं? हम तुमसे क्षमा याचना करने आए हैं।
माय गॉड, इसकी हिंदी तो सुधर गई। ओके, किस बात की क्षमा याचना भाई? अवधूत, हमने तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हारे गाने, तुम्हारे ट्यून्स चुराई। छोड़ दो, वो तो मैं कब का भूल चुका। उल्टा मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा। क्यों? तुम्हारे वजह से मुझे ये रास्ता मिला, गुरु मिला, मैं खुद को समझ पाया। खैर ये बात तो समझ नहीं आ रही, लेकिन ये सब तूने किया कैसे? मतलब? कुछ तो राज होगा। क्या राज? देख अवधूत, तुझे उस फकीर से मिलते हुए बहुत लोगों ने देखा है, सुना है तुम्हें कोई चीज भी दी है उसने, अब बता दे यार। मुझे उनसे ही पूछना पड़ेगा। अब दोस्तों से क्या छुपाना। हाँ, यही है ना, यही है ना अवधूत। ए सिड, नीचे रख दे उसे। व्हाट आर यू डूइंग मैन? सिड, रख दे। समझ गया, जादू टोना। तो ये है द ग्रेट संगीतकार का राज। आज मैं भी ये ले जाऊंगा, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी। सिड, मत खोल। सिड, तू सुनता क्यों नहीं है? ये क्या है? यही तो है वो राज। मतलब? ये प्रतीक है ज्ञान के भंडार का, जो सदियों से अपनी देश में चलती आई गुरु शिष्य परंपरा में हर गुरु ने अपने शिष्य को दिया। यह आईना इसलिए है कि वो शिष्य खुद को देख के यह जान सके कि गुरु की सीख से वो खुद में बदलाव ला पाता है या नहीं। यह है गुरुदेव साधु वासवानी और दादा जेपी वासवानी के विचार और आदर्श, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली और मैं अपने इस सफर में यहां तक पहुंच पाया। मुझे माफ कर दे अवधूत, मुझसे गलती हो गई। अवधूत, तू हमेशा कहता था तुम्हें खोज करनी है, क्या तुम्हें वो मिला? भैया मंजिल तो अभी दूर है, हाँ लेकिन सही रास्ता तो जरूर मिल गया। मेरी जर्नी अभी शुरू ही तो हुई है। एक पूछूं? बोल। क्या हम फिर एक साथ काम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते साथ में काम? जरूर करेंगे। आज मेरा कॉन्सर्ट है, चलोगे? मेरे गुरुजी भी वहां आएंगे। कहाँ? साधु वासवानी मिशन में। आज दादा जेपी वासवानी का जन्मदिन है, इसलिए मैं उनके चरणों में अपना संगीत समर्पण करना चाहता हूँ। हम भी चलते हैं। साइड वाले में हाँ। दादा श्याम, क्या आप सुनाई दे रहे हैं? क्या आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, चेक, थोड़ा बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ जी, अब ठीक है। दादा श्याम, सुनाई नहीं दिया मुझे? दादा श्याम, क्या आप सब मेरे साथ मिलके गाएंगे? हमारे दादाजी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सब साथ में मिलके गाएंगे, तो आप तैयार हैं? सो लेट्स गो फॉर इट। 1, 2, 1, 2, 3, 4। मालिक तेरी दुआ रहे, तेरी चुस्त चू रहे। मालिक तेरी दुआ रहे, तेरी चुस्त चू रहे। हर तरफ तू रहे, तेरी गुप्त गुरहें।
तुझ में समा जाऊं, तेरी रोशनी रहे, तुझ में समा जाऊं, तेरी रोशनी रहे। दादा श्याम, दादा श्याम, हैप्पी बर्थडे।